गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज चेतना, योर कंप्यूटर टीचर, एंड दिस इज माई पार्ट 20 ऑफ चैप्टर 1 फॉर क्लास 8। सो स्टूडेंट, लास्ट इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट अनबाउंडेड डेटा ट्रांसमिशन, कि किस तरीके से वायरलेस के थ्रू अपन डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। Now today we are going to learn about types of data transmission media. So in this my first topic is Bluetooth. As you know, Bluetooth एक wireless technology है जिसके थ्रू अपन data को एक जगह से दूसरी जगह transmit कर सकते हैं। ये एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब ये इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब चीप में, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, बहुत सस्ता ही आ जाता है। ये लो कॉस्ट है, लो पावर है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, लो पावर मतलब इसमें ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो बैंड ऑपरेशन है, इसका बैंड ऑपरेशन का जो मेजरमेंट है लगभग 2.4 GHz है। ये यूजुअली क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही यूज़ होता है। वायरलेस को अगर आपको देखना है तो जैसा कि ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, वो कहलाता है आपका ब्लूटूथ कहलाता है। और ये ब्लूटूथ की हेल्प से अपन एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, और विदाउट वायर, मतलब अभी जो मैंने अपने ब्लूटूथ को, अपने इस डिवाइस को, अपने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो वो मैं विदाउट वायर से ही कनेक्ट कर रही हूँ। ब्लूटूथ के ज़रिए ही मैंने इसको कनेक्ट किया है। और इसका जो ये जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है उनको, तो इसका जो डिस्टेंस रहता है, वर्किंग एरिया जिसे अपन बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं रहता है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा 10 meters ही रहता है। 10 meters की रेंज से जैसे ये बाहर जाता है तो कनेक्शन क्या है वो बीच में ब्रेक हो जाता है। सो स्टूडेंट, ब्लूटूथ का हो गया, मतलब ब्लूटूथ क्या है, एक प्रकार का वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से अपन एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट है, लो पावर कंजम्पशन है। सेकेंड थिंग ये कि इसका बैंड ऑपरेशन 2.4 GHz है। ये सिर्फ पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही काम करते हैं, ज़्यादा बड़े एरिए में, ज़्यादा बड़े नेटवर्क में इसका यूज़ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट मेरा जो टेक्नोलॉजी आती है वो होती है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो है ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ लो पावर कंजम्पशन भी है। ये भी वायरलेस को, वायरलेस का यूज़ भी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि जो वायरलेस का वर्किंग एरिया है वो ब्लूटूथ के वर्किंग एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे अपन ने देखा कि ब्लूटूथ का जो वर्किंग एरिया है वो 10 meters है, तो वायरलेस का जो वर्किंग एरिया है वो है आपका 50 meters। ओके स्टूडेंट, तो ये है डिफरेंस। बाकी तो दोनों का जो वर्किंग ऑपरेशन देखेंगे वो लगभग सेम ही है। वायरलेस में राउटर की हेल्प से अपन कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई जब यूज़ करना रहता है तो अपन राउटर की हेल्प लेके कर सकते हैं। इट इज़ सेटअप विद द वायरलेस राउटर, मतलब जो वाईफाई है वो वायरलेस राउटर की हेल्प से सेटअप हो सकता है, जैसे कि अपन एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करवा सकते हैं।
दिस नेटवर्क प्रोवाइड डेटा ट्रांसमिशन विद द मिनिमल रेंज, मतलब कम से कम रेंज, मतलब भी कर सकते हैं 50 मीटर्स तक इसका रेंज होता है। और अपन अपना वाईफाई कनेक्शन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं पासवर्ड ऐड करके। अगर अपन ने अपने वाईफाई में पासवर्ड ऐड कर लिया है तो अपने अलावा वो वाईफाई को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता चलेगा, मतलब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों पॉइंट मेरे, ब्लूटूथ प्लस वाईफाई। अगर नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू आंसर्स। एंड इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो विथ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।